जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेके और आखिरी तक ये वीडियो देखेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स मेरे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर, अभी तो हम जीवित हैं, अभी तो हम पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद जो फैमिली पेंशन मिलेगी, चाहे वाइफ को मिले या फिर वाइफ के मरने के बाद बच्चों को मिले, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी फैमिली पेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो पेंशनर्स के लिए हैं और सर्विंग सोल्जर्स के लिए हैं, यानी जो अभी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आगे कभी ना कभी रिटायर होंगे, तो उनको भी सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो पेंशनर्स के लिए हैं और सर्विंग सोल्जर्स के लिए। अगर आपने इन पॉइंट्स को पूरे माइंड में सही से बिठा लिया, तो दोस्तों आगे मिलने वाली जो फैमिली पेंशन है परिवार में, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यही पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा, तो अच्छे से दोस्तों आप समझिएगा, ताकि भविष्य में सर्विंग सोल्जर्स को जब वो पेंशनर बनेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को कोई दिक्कत ना हो, और जो अभी पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनके मरने के बाद उनकी फैमिली को भी दिक्कत ना हो पेंशन से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, पेंशन भोगी की पत्नी को पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा तब उसका नाम और जन्म तिथि पीपीओ में उल्लिखित हो और बैंक खाते में उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पेंशनर तो पेंशन ले रहा है, लेकिन क्या पेंशनर या जब वो रिटायर हुआ, उसने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पीपीओ में दिए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों पीपीओ में नाम नहीं है वाइफ का या बच्चों का, तो दोस्तों फिर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि पेंशनर ने, एम्प्लॉई ने पीपीओ में नाम नॉमिनी नहीं कर रखा है किसी को। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आप पेंशनर्स हैं या फिर आगे रिटायर होने वाले हैं, पीपीओ में आप नॉमिनी करें अपने बच्चों को भी और वाइफ को भी, तभी उन्हें आगे फैमिली पेंशन मिलेगी। और उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो, यानी जो आधार में नाम है, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है, वो ही मैच करनी चाहिए पीपीओ से। तो एक बात आपने यहाँ पे समझ ली। दूसरा पॉइंट, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, उसके नाम और बैंक खाते में जन्म तिथि से मेल खा रही है, तो कोई समस्या नहीं है। यानी अगर बैंक खाते में भी नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, तो दोस्तों वो पीपीओ से मैच करनी चाहिए। मतलब जैसा मैंने आपको भी कुछ दिन पहले वीडियो में समझाया था कि सारी चीज़ आपकी एक जैसी होनी चाहिए, बैंक खाते में भी वही नाम, तो पीपीओ में भी वही नाम, डेट ऑफ बर्थ बैंक खाते में बिल्कुल सेम, तो पीपीओ में भी वही, मतलब सब चीज़ें आप एक जैसी रखें। दोस्तों, अगर जन्म तिथि मेल खा रही है, यानी अगर जो पत्नी का नाम है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो पीपीओ में सेम है और बैंक में सेम है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी के लिए भी मूल पीपीओ जारी रखा जा सकता है, पत्नी के लिए अलग पीपीओ की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पत्नी के नाम से कोई अलग पीपीओ जारी हो, यानी अगर पेंशनर्स की मृत्यु हो गई है, फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी है पत्नी की, स्पाउस की, तो जरूरी नहीं है कि उसके नाम का कोई अलग पीपीओ बने, यानी जो पति का पीपीओ है उसमें ही काम हो जाता है। पेंशन पाने के लिए उसे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है वो वाइफ की स्टार्ट होती है, तो वाइफ को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आधार कार्ड देना पड़ता है, बैंक पासबुक की कॉपी भी देनी पड़ सकती है, पैन कार्ड भी देना पड़ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डेथ सर्टिफिकेट अपने पति का। सामान्य तौर पर यह एक या दो महीने के भीतर क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, हम तो जो क्रेडिट करते हैं फैमिली पेंशन, अगर किसी क्रेडिट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम एक महीने में कर देते हैं, कई डिपार्टमेंट दो महीने, तीन महीने, छः महीने, एक एक साल लगाते हैं, दो दो साल लगाते हैं, तो दोस्तों उस केस में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पत्नी को मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट देना होता है, जहाँ से पेंशन लेनी है, चाहे तो बैंक या फिर डिपार्टमेंट, और उसके साथ अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, यानी जिसमें उसे पेंशन चाहिए। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, पत्नी का नाम और जन्म तिथि निम्नलिखित चार दस्तावेजों में मेल खाना है। दोस्तों, पत्नी का नाम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गई। दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये किससे मेल खानी चाहिए? पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, पेंशन बैंक खाता यानी
बैंक का जो आपका अकाउंट है, चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट भी हो पेंशनर्स के साथ, पत्नी का आधार कार्ड, पत्नी का पैन कार्ड। दोस्तों ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चार चीजों से पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों आप अभी करवा लीजिए ये काम, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो फैमिली मेंबर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों आए दिन मैं बहुत से केस हैंडल करता हूँ इस तरीके के, जिसमें पीपीओ में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, बैंक में कुछ और नाम है, जिससे फैमिली पेंशन में दिक्कत होती है। एक ही नाम रखे बैंक अकाउंट में भी, आधार कार्ड में भी, पीपीओ में भी। क्योंकि दोस्तों जो वो पेंशन देते हैं वो पीपीओ देख के देते हैं, जो पेंशनर्स का पीपीओ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पता लग रहा पीपीओ में पत्नी का नाम कुछ और है और जो बैंक है उसमें कुछ और है, या फिर आधार कार्ड में कुछ और है, तो दोस्तों ऐसा मत करिए, एक ही नाम रखिए। मैं आपको एक वार्निंग के तौर पे समझा रहा हूँ कि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ये काम करवा लीजिए। अब दोस्तों चौथा पॉइंट समझते हैं, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। उस मामले में उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दोस्तों कई बार मैंने देखा है पीपीओ में पत्नी का नाम ही नहीं है या फिर बच्चों का नाम ही नहीं है, तो दोस्तों इस केस में पेंशन नहीं मिलती है। पीपीओ में नाम होना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो उस मामले में उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना होगा। दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना देनी होगी, यानी न्यूज़पेपर में उसे निकलवाना पड़ेगा। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा प्राप्त करना होगा, यानी एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और फिर सभी दस्तावेज सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड को भेजना होगा। यानी जो सैनिक कल्याण कार्यालय है, या तो जिला सैनिक बोर्ड, यानी जो डिपार्टमेंट जो वेलफेयर काम करता है, उसके थ्रू आपको अपने रिकॉर्ड्स में भेजना पड़ेगा। इसके बाद अभिलेखों की जांच की जाएगी, यानी जो भी आपने पत्र वगैरह दिए हैं उसकी जांच करी जाएगी, और पीसीडीए इलाहाबाद को दस्तावेज भेजे जाएंगे, यानी फिर रिकॉर्ड उसे आगे पीसीडीए को फॉरवर्ड करेगा। पीसीडीए परिवार पेंशन को मंजूरी देते हुए शुद्धि पत्र पीपीओ जारी करेगा, यानी कोरिजेंडम पीपीओ जारी करेगा। शुद्धि पत्र पीपीओ प्राप्त करने में कम से कम एक साल का टाइम लगता है। इसके बाद उसे बैंक जाना होगा और पेंशन पाने के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने के बाद पूरी प्रक्रिया में कम से कम एक साल लग जाएगा। दोस्तों अगर पीपीओ में नाम नहीं होता, अगर वाइफ का नाम नहीं है या बच्चों का नाम नहीं है, तो दोस्तों फिर बहुत परेशानी है, फिर पेंशन लेने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही कामना है, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी पेंशनर हो या जो भी अभी एम्प्लॉई जॉब कर रहे हो, वो आगे कभी ना कभी रिटायर तो होंगे, तो अपने बच्चों का नाम और अपनी वाइफ का पीपीओ में ज़रूर मेंशन करवाएं, ताकि उन्हें आगे आने वाले टाइम में फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट, पत्नी को पेंशन पाने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है यदि उसका नाम और जन्मतिथि उपरोक्त चार दस्तावेजों में से किसी के साथ ठीक से मेल नहीं खाता है। दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया, पत्नी को पेंशन तभी मिलेगी जब उसका जो पीपीओ में नाम है, जो आधार कार्ड में नाम है, जो बैंक खाते में नाम है, वो मैच करता हो। अगर दोस्तों इनका नाम कहीं भी मिसमैच हो गया, कहीं भी मेल नहीं खाता, तो दोस्तों फिर पेंशन लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों जो भी आपके डॉक्यूमेंट में नाम है हर एक जगह, वो एक ही रखें। छठा पॉइंट समझते हैं दोस्तों, तो एक भूतपूर्व सैनिक को क्या करना चाहिए। एक भूतपूर्व सैनिक को जीवित रहने पर निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जो सर्विंग सोल्जर हैं या फिर जो पेंशनर्स हैं, उनको क्या काम करना होगा ताकि इन दिक्कतों से बचा जा सके। अन्यथा पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पेंशन पाने में पत्नी को भारी समस्या हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। सातवां पॉइंट, भूतपूर्व सैनिक अपनी पत्नी का नाम और जन्मतिथि अधिसूचित करवाएं पेंशन भुगतान आदेश में। यानी जो भूतपूर्व सैनिक है, अगर उन्होंने अपने पत्नी का नाम पीपीओ में दर्ज नहीं करा रखा या नॉमिनी नहीं कर रखा, तो दोस्तों आप ये तुरंत काम करवा लीजिए, नहीं तो फिर आगे पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन की संयुक्त अधिसूचना कहा सकता है। दोस्तों इसे जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं पेंशन की संयुक्त अधिसूचना। अब दोस्तों आठवां पॉइंट समझिए, भूतपूर्व सैनिक जो 1986 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी 1986 से पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें पत्नी के नाम पर पेंशन की संयुक्त अधिसूचना प्राप्त करनी चाहिए, भले ही उनका नाम पीपीओ में उल्लिखित हो। यह है भारत सरकार के आदेश, इसलिए उपेक्षा ना करें और सवाल ना करें।
फॉर्म सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है और कृपया तुरंत आवेदन करें, अन्यथा भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये कुछ चेतावनी है जो आपको समझनी है और आपको ये पॉइंट समझ के फिर काम करना है ताकि पत्नी को पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों आगे समझते हैं 9th पॉइंट। यदि पीपीओ में पत्नी का नाम बैंक खाते आधार और पैन कार्ड में नाम से मेल नहीं खाता है तो भूतपूर्व सैनिक को पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। कुछ रिकॉर्ड एक राजपत्र मांगते हैं जबकि अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा मांग सकते हैं, यानी एक एफिडेविट मांग सकते हैं। यदि पत्नी का नाम जो है वो पीपीओ में मैच नहीं कर रहा है, किससे? बैंक खाते से, आधार और पैन कार्ड से, यानी पीपीओ में कुछ और नाम है और बल्कि बैंक खाते में आधार और पैन कार्ड में कुछ और नाम है, तो दोस्तों इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड से और रिकॉर्ड ऑफिस से। और दोस्तों इस पूरी कार्रवाई में पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम 6 महीने लग सकते हैं, इसलिए तुरंत कार्रवाई करें और मेक श्योर कि जो आपका पैन में नाम है, जो आपका आधार में नाम है, जो आपका बैंक खाते में नाम है, वो सब कुछ एक जैसा हो। 10th पॉइंट समझिए दोस्तों, यदि आधार या पैन कार्ड में पत्नी का नाम अलग है तो पीपीओ में नाम परिवर्तन करने के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें सही करवा लें। कृपया आधार केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करें, 2-3 सप्ताह में इसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करें। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम 6 महीने लगेंगे, तो दोस्तों देर ना करें। अगर ऐसा है तो आप दोस्तों ये तुरंत काम करवा लीजिए। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई, यानी आधार और पैन कार्ड में पत्नी का नाम अलग है और दोस्तों पीपीओ में सही नाम है, तो अगर आपको लगता है कि आपका आधार में गलत है तो दोस्तों आप आधार सेंटर जाके आप उसे ठीक करवा लीजिए। बाकी दोस्तों अगर पैन में आपको लगता है कि पैन कार्ड में गलत नाम है तो दोस्तों एक करेक्शन फॉर्म होता है, उसे आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पैन कार्ड है दोस्तों, फिर वो आपको आपके घर के एड्रेस पे आ सकता है। तो जहाँ पे भी आपको गलत नाम लग रहा है उस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके आप वो ठीक करवा लीजिए। 11th देखिए दोस्तों, आप यदि पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट अकाउंट है तो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन उसी खाते में जमा की जाएगी। दोस्तों इसमें कई पेंशनर्स का ज्वाइंट अकाउंट होता है अपनी पत्नी के साथ, यानी अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है उसके बाद फैमिली पेंशन जो स्टार्ट होती है, यानी जो वाइफ की पेंशन स्टार्ट होगी, वो पति के खाते में ही आएगी। तो दोस्तों इससे कोई परेशानी नहीं होती है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। उसे एक और एकल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, यानी दूसरा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है पत्नी को। कुछ शाखा प्रबंधक या फिर बैंक मैनेजर एक और एकल खाता खोलने पर जोर देते हैं। भारत सरकार और RBI ने पहले ही बैंकों को निर्देश दे दिया है कि यदि पेंशन खाता एक संयुक्त खाता है, ज्वाइंट अकाउंट है, और बैंक खाते और पीपीओ में पत्नी का नाम मेल खाता है तो एक विधवा को उसके नाम पर एक ही शाखा में एक अलग एकल खाता खोलने के लिए मजबूर ना करें। दोस्तों कई बार मैं क्या देखता हूँ, पेंशनर्स की डेथ के बाद अगर कोई वाइफ बैंक जाती है फैमिली पेंशन के लिए, तो उसके बाद जो बैंक वाले हैं वो पत्नी को फोर्स करते हैं कि आप एक नया खाता खोल लीजिए, बल्कि उनका ज्वाइंट अकाउंट है अपने पति के साथ, तब भी बैंक वाले उन्हें एक नया खाता खोलने के लिए विवश करते हैं, मजबूर करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई बैंक मैनेजर या कोई भी ऐसा बोलता है कि आप एक नया खाता खुलवा लीजिए ज्वाइंट अकाउंट होने के बाद भी, तो दोस्तों आप सीधा उनकी कंप्लेन कर सकते हैं रीजनल ऑफिस से, जो उस बैंक का जो रीजनल ऑफिस होगा उस सिटी में, उस स्टेट में, तो आप वहाँ पर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये वाली ब्रांच हमें एक नया खाता खोलने के लिए विवश कर रही है, मजबूर कर रही है, बल्कि हमारा मेरे पति के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट है, मैं उसी में पेंशन लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये RBI की गाइडलाइन है, RBI ने पहले ही सभी बैंकों को निर्देश दे दिया है कि अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है तो उसे ज्वाइंट अकाउंट ही रहने दीजिए, एक नया खाता खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कोई बैंक। अब दोस्तों 12th पॉइंट समझिए, हालांकि यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता नहीं है, यदि ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, तो उसे उसी शाखा में एक अलग एकल खाता खोलना होगा। पारिवारिक पेंशन शुरू होने में कम से कम 6 महीने
या एक वर्ष का समय लग सकता है, इसलिए अपने पेंशन खाते को तुरंत अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में बदल दें। अभी दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनका सिंगल अकाउंट है, तो दोस्तों आगे कोई दिक्कत ना हो तो अपनी पत्नी का नाम भी आप ज्वाइंट करा सकते हैं अपने खाते से। मैं पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों फिर उसके बाद पत्नी को एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है उस ब्रांच में, और दोस्तों उसमें थोड़ा समय लग सकता है और दोस्तों कार्यवाही होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो इतनी परेशानी नहीं होती है। पेंशनर्स की डेथ के बाद जो फिर जो पेंशन आती है वो डायरेक्ट उस ज्वाइंट अकाउंट में आती है, तो दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर पेंशनर्स चाहता है कि पत्नी का नाम भी ज्वाइंट अकाउंट में शामिल कर दें या ज्वाइंट अकाउंट कर दें, तो दोस्तों वो इजीली आप कर सकते हैं। अब दोस्तों 13वां पॉइंट समझिए, तो कृपया निम्नलिखित उपाय करें ताकि आपकी परेशानी से बचा जा सके पत्नी को, ताकि पत्नी को कोई परेशानी ना हो। PPO, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी का नाम जांचें। सबसे पहले आप अपना PPO निकाल लीजिए, बैंक की पासबुक निकाल लीजिए, आधार कार्ड निकाल लीजिए, पैन कार्ड निकाल लीजिए, और उसमें अपनी वाइफ का नाम देखिए कि कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कहीं अलग नाम तो नहीं हो रहा है पत्नी का। तो दोस्तों ये आप चेक कर लीजिए। सभी दस्तावेजों में नाम एक समान होना चाहिए, मैच करने चाहिए डॉक्यूमेंट में अपनी पत्नी का नाम, चाहे PPO, चाहे बैंक हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो। यदि ऊपर बताए गए अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं तो दोस्तों फिर दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट समझिए, PPO, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी की जन्मतिथि की जाँच करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ। कई बार डेट ऑफ बर्थ भी मैच नहीं करती है, यानी आधार में अलग है, पेन में अलग है, रिकॉर्ड में अलग है, बैंक में अलग है, तो इस वजह से भी पेंशन मिलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों एक बार आप सब डॉक्यूमेंट निकाल के सही से चेक कर लीजिए कि नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती तो नहीं हो रही है, मिसमैच तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट का कुछ नहीं पता, कोई सा भी आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है, चेक कर सकता है, जाँच कर सकता है। अगर कुछ भी कमी पाई जाती है तो दोस्तों फिर पेंशन के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। यदि ऊपर बताए अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं दोस्तों, तब भी आपको परेशानी हो सकती है। अगला समझते हैं दोस्तों, पेंशन खाता आपकी पत्नी के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए। यदि इसे संयुक्त खाते में परिवर्तित नहीं करते हैं तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो ज्वाइंट अकाउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइंट करवा सकते हैं, अपनी पत्नी का नाम भी जुड़वा सकते हैं आप अपने खाते से, ताकि दिक्कत ना हो आगे। दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट इसलिए भी ईजी हो जाता है, बैंकों को कोई परेशानी नहीं होती है, यानी जो पेंशनर का खाता है वो शुरू से तो चलता आ रहा है। अगर कुछ एक्सेस पेमेंट ज़्यादा चला जाता है पेंशनर की मृत्यु के बाद, तो दोस्तों वो उसी खाते से रिकवर कर लेता है जल्दी। तो दोस्तों इस बात से भी ज्वाइंट अकाउंट करने पर फोकस ज़्यादा देते हैं, और पत्नी को भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि खुदा ना खास्ता हो आगे कभी कोई एक्सेस पेमेंट इतना ज़्यादा चला गया और वो बैंक बोले कि आपको इतना अमाउंट रिकवर करना है, तो दोस्तों वो उसी खाते से पुरानी हिस्ट्री देख के पेंशनर्स की उसी खाते से वो रिकवर कर लेते हैं, तो फिर फैमिली मेम्बर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ज्वाइंट अकाउंट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 14th पॉइंट देखिए दोस्तों, अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, लीस्ट बट नॉट द लास्ट। कृपया अपना मूल और शुद्धि पत्र PPO यदि जारी किया गया है उसे सुरक्षित रखें, यानी जो आपका PPO है, कॉरिजेंडम PPO है, यानी जितने भी आपको PPO मिले सब दोस्तों एक जगह आप सुरक्षित रखें। कई बार मैं देखता हूँ कई पेंशनर्स के PPO गुम हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट फिर PPO मांगता है आपसे कि कोई PPO की कॉपी है, और दोस्तों जब आप PPO की कॉपी नहीं दिखाते हैं या बोलते हैं कि हमने PPO घुमा दिया या फिर उस पर पानी लग गया या ख़राब हो गया, तो दोस्तों फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों अगर PPO है तो दोस्तों आप उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी अपने फ़ोन में रखिए, एक स्कैन करके या तो फ़ोटो खींच के सुरक्षित रखिए, ताकि PPO जो आपका पुराना है, क्योंकि पुराने जो कागज़ होते हैं कई बार वो ख़राब हो जाते हैं आगे, तो एक बार उसकी सही से फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में सुरक्षित रखिए। हो सके तो अगर वो सही है तो उसे आप लैमिनेट करवा लीजिए और एक अच्छी जगह उसे सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि PPO दोस्तों आगे बहुत काम आता है आगे। जो भी आपका PPO, चाहे कितने साल भी पुराना हो या अगर नया मिला है तो दोस्तों वो भी अच्छा है, उसे भी आप संभाल के रखिए। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कागज़ होता है PPO, तो दोस्तों इसकी आप 2-3 कॉपी बना के रख लीजिए, 3-4 कॉपी बना के रख लीजिए अपने PPO की, और सुरक्षित रखिए किसी अलमारी में। और दोस्तों हो सके तो इसको आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे भी रख लीजिए, PPO को एक PDF बना के, जो भी आपके दस्तावेज हैं, जो भी आपके पेंशन से रिलेटेड कागज़ हैं, उनकी आप जीरोक्स कॉपी बना लीजिए 3-4,
उसे स्कैन करके आप कंप्यूटर में भी रखें और एक अलग से 3-4 कॉपी भी रख लीजिए दोस्तों। दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे और जो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए उपयोगी होगी, इम्पॉर्टेंट होगी। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं आपके आगे काम आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके और आपको जागरूक करा जा सके। थैंक यू सो मच।